अक्षता जैसे आ रही थी और ऊपर से फटाक थाड़ कर गिर गया, तो इसके सर पे गिरते गिरते बच गया। वो देखो ऐसी जा रही है आगे। ये तो एकदम 10 किलो का सामान मैं लेके जा रहा हूँ और वो ऐसा ये चल रही। शनपट्टी मत मार पीछे, सामान पकड़। दारू मत पीना, दारू पीना। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह की 8:30 बजे है। अभी हम लोग उठे, मैं बिस्किट खा रहा हूँ और हम लोग अभी जा रहे हैं कैफे में। मैंने लैपटॉप लेके घूम रही है, देखो ऐसे होता है वर्क फ्रॉम होम। एंड आई एम अ वेरी फ्री मैन, या यू नो। अक्षता इज स्टिल वर्किंग नाउ एंड मैं जस्ट यहाँ पे बाहर घूम रहा था, तो काफ़ी अच्छा प्रॉपर्टी है, बहुत ब्यूटीफुल है बाहर। एंड जस्ट हम लोग आ रहे थे अंदर, तो सडनली अक्षता के पीछे एक नारियल गिर गया। आई एम ऑल फाइन, ऐसा मेंशन नहीं करेगा वो कि अक्षता ठीक है। अक्षता जैसे आ रही थी और ऊपर से फटाक थाड़ कर गिर गया, तो इसके सर पे गिरते गिरते बच गया, लेकिन मेरे को नारियल मिल गया। आई एम हैप्पी। तो गाइस हम लोग बटरफ्लाई बीच जा रहे हैं, अभी हम लोग फुल रेडी हो चुके हैं। वहाँ का रास्ता थोड़ा सा ट्रेकिंग अंदर है, डिफिकल्ट होगा मोस्टली, तब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे उसके। तो बाइक एक लिमिट तक जाती है, उसके बाद रुक के हम लोगों को वॉकिंग जाना पड़ता है। सो लेट्स सी नाउ, ऑलरेडी 2:30 राइट नाउ एंड अंधेरे से पहले हम लोग को वापस भी आना है वहाँ से। सो लेट्स गो। What's up guys, आज सुबह से मैंने आपको अभी हाई बोला है, सो हाई। एंड अभी मेरा काम करके ऑलमोस्ट हो गया है, सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स बटरफ्लाई बीच। देखते हैं क्या है, कैसा है, मजा आएगा। सो गाइस दिस इज द वे टू बटरफ्लाई बीच। एवरीबडी पार्क्स देयर बाइक्स एंड एवरीथिंग हियर, बट वी आर प्लानिंग टू टेक द बाइक इनसाइड। इट्स अपॉन योर रिस्क बिकॉज द रोड इज वेरी स्टीप अहेड, सो जहाँ पे आपको लगता है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते हो, आप बाइक वहीं पे रुका सकते हो। हाउ इज द रोड? After how much time walking? 20 minutes. Are you parked your bike here only? Yeah, you have to park your bike. Okay, cool. Thank you. So bike park कर दी है वहाँ पे। यहाँ से actually रास्ता है अंतर, लेके जा सकते हो bike, लेकिन let's not risk it. तो काफ़ी लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं और हम लोग भी वॉक कर रहे हैं। मैंने अक्षता को बोला कि हाथ में एक लकड़ी लेके रख, इफ़ इन केस एनी कुछ होता है तो यू शुड हैव समथिंग इन योर हैंड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ऑल्सो गाइज दिस इज द मेजर रीजन वी आई आस्क्ड हिम टू कम, लेट्स कम इन द इवनिंग, मतलब एटलीस्ट 3:30 के बाद, क्योंकि वो टाइम पे लोग आते हैं, तो अगर ऐसा रास्ता है तो इट्स बेटर दैट देयर आर पीपल कमिंग एंड गोइंग। तो यस एग्जैक्टली, काफी मस्त रास्ता है, वेरी नाइस जर्नी। अगर आपका नेटिव प्लेस ऐसी कोई जगह पे होगा ना, तो आई डोंट थिंक आपके लिए ये रोड कुछ इतना ये होगा न्यू या समथिंग लाइक दैट, स्कैरी होगा, बिकॉज नेटिव प्लेसेस में गांव साइड में ऐसे ही होते हैं रोड्स, तो शायद आपको मजा आएगा। कितना अच्छा बीच होगा क्योंकि हम लोग को वॉकिंग एटलीस्ट पूरा 30 मिनट्स वॉकिंग है। सो तब तक के लिए चलो हम लोग के साथ। ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का ट्रैकिंग किया है हम लोग ने और पानी का आवाज़ आ रहा है अभी, थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, द जर्नी शुड गो ऑन। रुकना नहीं अपने को, रुकना हिच नहीं है अपने को। वो देखो कैसी जा रही है आगे। ये तो एकदम 10 किलो का सामान मैं लेके जा रहा हूँ और वो ऐसा ये चल रही है। ये शानी सामान ले इधर, बैग में सब मैं लेके आया हूँ, पानी, खाना, ट्राईपॉड, जो भी अंदर सामान लगेगा, कपड़े, टॉवेल। और मैडम चल रही है आगे एकदम मस्त शान में।
ए शनपट्टी मत मार पीछे। आप अगर आ रहे हो ना किसी लड़की के साथ तो उसको सामान देना सब, खुद मत सामान पकड़ना। ए सामान पकड़, ए सामान पकड़, सामान पकड़, तेरे को बोला ना मैंने सामान पकड़। पानी का आवाज आ रहा है अभी यहाँ पे, सो आई गेस वी हैव रीच्ड। सो गाइज वी हैव रीच द बीच। फाइनली पहुंच गए बीच पे, 30 मिनट का रास्ता सफल हो चुका है। यू हैव अराइव्ड। कहां से आया हम लोग को ही मालूम। अभी वो रास्ता मुझे किधर दिख नहीं रहा है, इधर से किधर आया हम लोग नहीं है। लेट नाइट आना है तो आ जाओ, लेकिन यहीं पर रहना पड़ेगा सुबह आने का। फिर प्यार की कश्ती में करो फिर इधर। हाँ बोट ये किधर हो करना पड़ेगा। काफी छोटा सा आइलैंड है गाइस, एकदम मतलब बहुत ही छोटा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो चेक द लुक। पानी कितना ब्लू है, आई डोंट थिंक आपको दिख रहा है, बट यहाँ का पानी बहुत ब्लू है, बहुत सच्ची इंडिया का पानी नहीं लग रहा ये। नाउ आई कैन गोइंग फॉर अ डिप, बट यहाँ के टाइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा। गोवा इज सो ब्यूटिफुल, क्यों इतना प्यारा है यार गोवा। गाइस नॉर्थ में इतना ब्यूटी है नॉर्थ में, बट नॉर्थ इज लाइक पार्टी प्लेस, डिंचैक डिंचैक डिंचैक, बट यहाँ पे जो है ना द थिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस हियर इज नॉट, इट्स नॉट समथिंग दैट यू विल एक्सपीरियंस इन नॉर्थ, दैट इज व्हाई इट इज साउथ एंड नॉर्थ। अलग चीज है दोनों, सो वन मस्ट एक्चुअली ट्राई बोथ ऑफ देम। बटरफ्लाई बीच के लिए जब मैं हाइक कर रही थी, छोटा सा स्टोरी, बटरफ्लाई बीच के लिए जब मैं हाइक कर रही थी तब हमें एक जन ने बोला कि इट इज़ नॉट वर्थ इट, डोंट गो डोंट गो, यू हैव टू वॉक फॉर 15-20 मिनट्स एंड देन इट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल आइलैंड एंड यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। बट देन वी जस्ट थॉट दैट कि अभी आए हैं तो ऑफकोर्स वी नीड टू ट्राई, वी नीड टू नो कि क्यों क्या है इतना। तो वेन वी केम नो माई एक्सपीरियंस वॉज डिफरेंट, इट इज़ अमेजिंग। इतना ब्लू पानी मैंने कभी नहीं देखा है लाइफ में, इंडिया में नहीं देखा है मैंने, कहीं नहीं देखा है, ना ही कोई दूसरे, कोला बीच में भी नहीं, पालोलम में भी नहीं, कहीं नहीं, इट इज़ ओनली इन बटरफ्लाई बीच। सो अगर आपको सच्ची में ये ब्यूटी देखना है ना तो करो 20 मिनट्स का हाइक, जो इतना डिफिकल्ट नहीं है, और आओ मज़ा आएगा वो हाइक करने में भी। बटरफ्लाई, दिस इज कॉल्ड एज बटरफ्लाई बीच बिकॉज इट्स अ बटरफ्लाई ओवर देयर शेप लाइक दिस फ्रॉम हियर to like this, so that is why it's called as a butterfly beach. So guys, यहाँ से रास्ता है जो आता है डायरेक्टली एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द बीच। तो वो रास्ते के सामने ही एग्जैक्ट एक बड़ा सा ट्री है, आप ट्री से अंदर घुस सकते हो। मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, बिल्कुल भी। हाँ। तू इधर रह जा, मैं निकल रहा हूँ। बाय 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 बाय, सी ब्यूटीफुल है यार। 5:30 बज रहे फिर भी अंधेरा देखो। सो गाइज अभी जस्ट रात होने को आई है, इट्स ओनली 6 PM राइट नाउ।
not even 6 actually 5:45 and still it's so dark over here that we can see the darkness over here. So I just suggest to you all, agar aap aa rahe ho to please jaldi aana, kuch bhi aap carry kar rahe ho to please kuch fekna mat yahan pe. Aur agar yahan pe agar aap aa rahe ho to thoda dance zarur karna, kyunki kafi clean tha beach. To please trash mat throw karna, दारू मत पीना, दारू पीना बोतल अपने साथ घर ले जाना, बोतल मत फेंकना यहाँ पे, पाइंट वाइंट कैन और धमाल से एंजॉय करना. गेम में जो कुछ भी हो एकदम खुश रहने का, यू यू एंड यू. हाय, ओ सेड आए, उठ सो ऑल सेट गाइज, लास्ट डे एंड वी आर लीविंग नाउ. जस्ट चेकआउट सब कर लिया है हम लोग ने, बस कार भी आ गई है बाहर. सो वी आर गोइंग बाई ट्रेन. सो ट्रेन 12 बजे की है एंड इट्स 10 नाउ, 10 एग्जैक्ट 10. यस, सो ऑल सेट, रेडी, लेट्स गो. एंड देयर वी गो, बाय. So we have booked a chair class, chair AC class, and बहुत काफ़ी मस्त है. I suggest everyone to book this chair class if you're traveling anywhere, because this is really good to travel. So guys, that is it, हमारा trip ख़त्म हो चुका है. We had 10 days trip and it was too good, बहुत मज़ा आया. And thank you so much for giving so much of love for all the content, Insta पे, YouTube पे. And बताओ प्लीज़ हमें आपको अच्छा लग रहा है या नहीं. And yeah, that is it. Do you want to say something? Yes, that's it. The entire cost trip is given in the description. And if you want to know more regarding anything else, you can just, you know, DM us or just comment below in the comment section. Not followed us on Instagram, then please do follow us on Instagram. This is our link.